नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त सूचनाएं आप तक प्रेषित की जाती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से है, जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुप्रतीक्षित और बहुविवादित प्रक्रिया रही है और अभी तक जो है दो विषय के शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, नियुक्ति के लिए चयनितों का शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन। चयन के बाद महीनों से नियुक्ति की आस में बैठे LT ग्रेड 2018 के चयनितों का धैर्य जवाब दे गया है। हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग की है। दोपहर में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने अभ्यर्थियों को वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने 17 तक दोनों विषयों के चयनितों के समस्त अभिलेख लखनऊ स्थित NIC को सौंपने का आश्वासन दिया है। उसके कुछ समय बाद पोर्टल खोलने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुविवादित और बहुप्रतीक्षित रही है और छात्रों का जो प्रतीक्षा का है, छात्रों का इंतजार अब जो है जवाब दे रहा है। छात्रों को अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2018 में ये शिक्षक भर्ती आई थी और 2021 अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आज तक शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक है और छात्र हित में ये बिल्कुल नहीं है। ऐसे अधिकारी जो काम करने की जिनकी शैली नहीं है, काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को आयोग में क्यों बैठाया जाता है? जनता का पैसा खाते हो, पड़े रहते हो, ऐसा कब तक करोगे? और इनकी अधिकारियों की जो आयोग में बैठते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, जो भी अधिकारी बैठते हैं इस पर और समय से यदि भर्ती पूरी नहीं होती है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए, इनके खिलाफ अभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद के लिए मांगे आवेदन। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के एक रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए शासन ने अभ्यर्थियों से 7 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बारे में मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा राज्य सूचना आयुक्त के 10 पद सृजित हैं। राज्य सूचना आयुक्त का एक पद सुबेश कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म होने से रिक्त हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन संपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की आयु यानी कि 65 वर्ष की आयु तक होगा। तो इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, बच्चों की पढ़ाई में मददगार होंगे प्रेरणा ऐप, प्रेरणा साथी। कोविड-19 महामारी के बीच परिषदी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई को कराने के लिए 9 प्रयोग शुरू हो रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावकों के लिए पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी यह कमी प्रेरणा साथी पूरा करेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों को गांव के 10 ऐसे साथियों का चयन करने को कहा गया है जो स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्मार्टफोन दे सकें। प्रधानाध्यापक उनका प्रेरणा ऐप पर पंजीकरण कराएंगे और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे। समय समय पर शिक्षण सामग्री भेजी जा सकेगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद इन दिनों प्रदेश में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला चला रहे हैं। घर ही बन जाएगा
हमारा विद्यालय हमारा हम चलाएंगे ई पाठशाला के तहत प्रथम द्वितीय व तृतीय चरण पूरा हो चुका है और अब चतुर्थ चरण नई गतिविधियों के साथ शुरू हो रहा है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन व अधिकतम बच्चों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने वॉलंटियर्स ऑनबोर्डिंग ड्राइव शुरू की है। इसमें वॉलंटियर्स को प्रेरणा साथी के नाम से जाना जाएगा। इन साथियों को साप्ताहिक शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इन साथियों के चयन के लिए यह देखना होगा कि उनमें निस्वार्थ सहायता देने की भावना हो। निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर समुदाय के ऐसे शुभचिंतक को तलाशा जाए जिसके पास स्मार्टफोन व इंटरनेट की सुविधा है। वे राज्य स्तर से मिलने वाली शिक्षण सामग्री को बच्चों के बीच साझा करें। यह भी निर्देश है कि बच्चे प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कर सके। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक ये नया प्रयोग है। अब देखते हैं कि कितने शिक्षक साथी जो है इससे प्रेरित होकर के बच्चों को अपना मोबाइल प्रोवाइड कराते हैं। तो जहां तक उम्मीद है, ये मुझे नहीं लगता कि सफल होगा, और क्योंकि मोबाइल बच्चों को देने से यूज करने में कहीं ना कहीं उसमें जो है बच्चे ठीक से नहीं चलाते तो वो जो है गिर सकता है, टूट फूट सकता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इनका जो है प्लान सफल होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत ही बदलाव किए हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रति, प्राथमिक विद्यालयों के प्रति जो रवैया लोगों का, जो सोच थिंकिंग रही है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। कोरोना महामारी ना होती तो आज की डेट में प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलते और यहाँ तक कि डिजिटल बोर्ड और अटेंडेंस के लिए जो है मोबाइल भी उपलब्ध करा दिया जाता। तो दोस्तों, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, यूपीपीएससी ने शुरू की परीक्षाओं की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। विषय विशेषज्ञों को पेपर व पाठ्यक्रम निर्धारण का काम शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। विशेषज्ञों ने उनके अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में काम की रफ्तार और तेज होगी। इसमें स्थगित व प्रस्तावित परीक्षाओं के जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। पेपर तैयार होने की स्थिति में आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर लोक सेवा आयोग की जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। संक्रमण बढ़ने पर विषय विशेषज्ञों ने मार्च, अप्रैल व मई महीने में आयोग आने से इनकार कर दिया था। इससे पेपर बनाने व पाठ्यक्रम निर्धारण करने का काम रुक गया था। इधर स्थिति सामान्य होने पर आयोग ने अपने विशेषज्ञों को बुलाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के आने से रुका काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत ही जल्दी कैलेंडर आने वाला है। कैलेंडर जारी होते ही परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये रुकने वाला नहीं है। प्रत्येक सप्ताह को आपको कोई ना कोई परीक्षा देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही कोरोना महामारी पर पूर्ण विराम लगता है उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा और प्रत्येक रविवार को कोई भी रविवार खाली नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग को मिलाकर के 20 से 25 भर्तियों के लिए परीक्षा कराई जानी है। तो आप सभी से आग्रह है कि अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से जारी रहे ताकि किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि अपने सब्जेक्ट के साथ साथ और फर्स्ट पेपर को भी ध्यान में रख करके वो तैयारी करें ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। इतनी भर्ती कभी नहीं आनी है, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलना है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, शिक्षा मित्रों का भविष्य फाइलों में बंद। शीर्ष कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का भविष्य फाइलों में बंद है। सहायक अध्यापक पद का समायोजन रद्द होने से अधिकांश शिक्षा मित्र नियुक्ति नहीं पा सके हैं। वे मानदेय पर कार्य करने को मजबूर हैं। समस्या निस्तारण के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। परिषदीय स्कूलों के करीब 1,72,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनमें 1,37,000
शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को उनका समायोजन रद्द करके वे शिक्षक भर्तियों में उनको वेटेज और आयु सीमा में छूट देने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार ने इन शिक्षा मित्रों को 31 जुलाई 2017 का वेतन भुगतान किया और 1 अगस्त 2017 से 10,000 रुपये मानदेय पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये वर्ष में 11 महीने में मानदेय मिलता रहा है। तो दोस्तों, ये शिक्षा मित्रों की यदि समस्याओं की बात की जाए तो दोस्तों शिक्षा मित्रों क्या है, अब उनकी पढ़ने लिखने की क्षमता कहीं से टेट पास करना, ये सारी प्रक्रिया उनके लिए बहुत ही कठिन हो गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता समझने की क्षमता हर उम्र में उतनी ही नहीं हो सकती है। जब उनके पढ़ने की उम्र थी तब उन लोगों ने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, लेकिन आज की डेट में अगर सहायक अध्यापक नहीं बनाती है सरकार तो कम से कम उनको इतनी सैलरी दे, 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी दे, कम से कम उनका इतनी महंगाई में जीवन यापन हो सके, क्योंकि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता है और परिवार पालन किस प्रकार से वो करते होंगे ये एक चिंता का विषय है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, IIT दिल्ली दुनिया के टॉप 200 शिक्षण संस्थाओं में शामिल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी। IIT बॉम्बे व IISc बेंगलुरु को भी स्थान। JNU पहली बार शामिल। यहाँ पर आप देख रहे हैं दुनिया भर से 1300 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो IIT बॉम्बे भारत की तरफ से नंबर 1 पर रहा है, 177 रैंकिंग रही है। IIT दिल्ली 185, IIT बेंगलुरु 186, IIT मद्रास 255, IIT कानपुर 277, IIT खड़गपुर 280, IIT गुवाहाटी 395 और IIT रुड़की 400 इनको रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों ये बहुविकल्पी प्रश्न है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है दुनिया भर के 1300 विश्वविद्यालयों और संस्थानों की QS रैंकिंग में भारत का सबसे पहले नंबर 1 पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तो IIT बॉम्बे। इस प्रकार से आपको बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु और मद्रास को याद रखना चाहिए। IIT दिल्ली समेत 3 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान दुनिया के टॉप 200 संस्थानों की सूची में शामिल हुए हैं। लंदन में देर रात तक जारी हुई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में IIT बॉम्बे को 177वां स्थान मिला है। इसके बाद बात करते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नियुक्ति के लिए अपर शिक्षा निदेशक से मिले LT ग्रेड के चयनित शिक्षक। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए LT ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों ने मंगलवार को अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात की है और उन्होंने नियुक्ति देने की मांग की है। विधायकों का सुझाव, विद्यार्थियों को भविष्य में अंक सुधार को का मिले मौका। इसके बाद अगली खबर है 11वीं कक्षा के कौशल विषयों में थ्योरी व प्रैक्टिकल के अंक तय। CBSE थ्योरी के लिए 60 व प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक होंगे। सभी कौशल विषयों के अंकों का वितरण इस आधार पर होगा। बोर्ड ने तैयार किया फैसला, 12वीं के अंक वितरण में नहीं किया बदलाव। इसके बाद अगली खबर है प्रमोशन के लिए घेरा परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का मामला परीक्षा समिति में ले जाने का आश्वासन, बैक पेपर परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर मंगलवार को छात्रों ने धरना दिया है और इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा भी करा सकते हैं विश्वविद्यालय। सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी अनुमति, अगस्त मध्य तक करानी होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जारी किया उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा की गाइडलाइन। स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं शर्मा जी ने बताया है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। यदि विश्वविद्यालय में स्नातक पंचम और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद UP बोर्ड बच्चों से 2 सवाल पूछे और पूरी हो गई परीक्षा। यहाँ पर आप देख रहे हैं UP बोर्ड
द्वारा छात्रों के 9वीं और 11वीं का रिजल्ट मांगे जाने के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों ने नंबर देने में खेल कर दिया है। स्कूलों में छवाही वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को पास करने का तरीका खोज निकाला है। परीक्षार्थियों को सीधे फोन पर बात करके दो बार हेलो हेलो किया और दो सवाल पूछ करके उनको इसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दे दिया जाता है। इसके बाद अगली खबर है बैक पेपर का रिजल्ट जारी, अब प्रमोशन की तैयारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा के रिजल्ट के साथ तृतीय वर्ष के छात्रों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इस स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को मिलेगा फायदा। इसके बाद अगली खबर है AICTE के मानकों के आधार पर होगी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी, अब दूर हो सकेंगी विसंगतियां। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति अब अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद के मानकों के मुताबिक होगी। अब तक यह उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा परिषद के मानकों के आधार पर होती थी, इसमें कई विसंगतियां थी। इसे दूर करने के लिए सरकार ने NICTE के मानकों को प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। मदरसा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा निरस्त। इसके बाद अगली खबर है UGPG के विद्यार्थी प्रोन्नत, अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा, बिना इम्तिहान द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत छात्रों की होगी परीक्षा। एक वर्ष का पेपर, एक विषय का पेपर व बहुविकल्पी होंगे सवाल। इसके बाद अगली खबर है NEP के तहत बनेगा स्नातक का पाठ्यक्रम। नई शिक्षा नीति के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को बुलाई गई बैठक में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके बाद 5% से नीचे आई दैनिक संक्रमण दर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बात करते हैं कोरोना महामारी की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,62,000 मरीज हुए स्वस्थ, सक्रिय मामले 12,26,000। JNN नई दिल्ली, देश में कोरोना महामारी का कहर अब तेजी से कमजोर पड़ रहा है। दैनिक संक्रमण की दर 5% से नीचे आ गई है, 9 मई को यह 24.9% थी। साप्ताहिक संक्रमण दर भी 5% से कुछ ही अधिक है। लगातार दूसरे दिन नए मामलों की संख्या 1,00,000 से नीचे रही है। एक दिन पहले के मुकाबले मामले कुछ ज़्यादा मिले हैं। रोजाना होने वाली मौतों की संख्या भी 2,500 से कम बनी हुई है। सक्रिय मामले 12,15,000 रह गए हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि सरकार के जो वैक्सीनेशन अभियान है, सरकार सबको 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगा रही है, तो आप सभी से आग्रह है किसी प्रकार की अफवाहों में ना रहें, वैक्सीन आपको लगवा लेनी चाहिए और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप जो है कोरोना महामारी से बच जाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद आपको कभी कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है और उससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अफवाह फैलाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। बहुत बहुत